एक्शन। अरे कर जातिया मामू, अगर तूने अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से नहीं करवाई ना तो तुझे ठोक डालूंगा साले। अबे तू क्या बक रहा है? अरे यार बेटा मैं तेरे को दिल से प्यार करता हूँ, दिल से। अबे मिकी दिल तो लेफ्ट साइड पे होता है ना। अरे वो सारा दिन मैं हिलता रहता हूँ ना तो दिल भी लेफ्ट और राइट ही होते रहते हैं। और ये तो कुछ भी नहीं है, कल मेरी किडनी पाँव में चली गई थी, सारा दिन अंगूठे से सुसु करना पड़ा। देखो सकू, हाँ। आज से मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ। छोटा भाई, बिहेव योरसेल्फ। कर जाते हैं परिवार के सामने, तुम्हें मेरी बहन की एक्टिंग करनी है, ओके? बहन, ओके। चलो 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 अब जाओ और थोड़े कपड़े पहन कर आओ। और कपड़े? नाउ सक्कू प्लीज गो, नाउ प्लीज। चलो 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 जाओ जाओ जाओ। ये क्या पहना है? सारी। क्यों, अच्छी नहीं लग रही क्या? ये कैसे पहना है? फूलों का, तारों का, सबका कहना है। इतना सारा कपड़ा मैंने कभी नहीं पहना है। हाँ ठीक है ठीक है, लेकिन जो भी पहना है जरा ढंग से पहन कर आ जाओ, ओके? नाउ गो 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 गो। नमस्ते। नमस्ते जी, आप क्या करते हैं? हमारा लेने देने का बिजनेस है। हम कभी लेते हैं तो कभी खुशी खुशी देते हैं। ओह माय गॉड, मेरी शादी तुम दोनों के हाथ में, प्लीज डोंट रुइन इट। जाओ जाकर अपने रोल की ठीक से प्रैक्टिस करो, जाओ। पता नहीं क्या होगा मेरी शादी का। परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन, ये गुरुकुल के तीन नियम है। हाँ। जो मैं खुद फॉलो नहीं कर पाता तो अपने बेटे को काय को बोलूं। एक काम करता हूँ, मैं तेरी शादी ट्वीट कर देता हूँ, शालू वेट्स का नैया। अबे मिकी, ये मजाक खत्म कर यार, तूने अब तक मेरे बाप होने की ढंग से प्रैक्टिस की नहीं है। अरे सफेद बाल ही तो लगा कर आने, तू टेंशन काय को लेता है? ऐसा बाप बनूंगा कि शालू का बाप देखता रह जाएगा। हेलो करचातिया अंकल, आप चाय बिस्किट कुछ लेंगे? मेरे लिए स्टॉप 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 स्टॉप, तुम्हें मेरे होने वाले ससुर को सिर्फ चाय ऑफर करनी है और कुछ नहीं, और ये टांग उठाकर तो बिल्कुल नहीं। चलो तुम लाइन एक और बार फिर से ठीक से बोलो। हेलो मिस्टर करचातिया, आप क्या लेंगे? गुड। सबको देखो, बी सीरियस गाइस, तुम लोगों ने अगर कोई उल्टी सीधी हरकत की ना तो मेरा शादी से पहले ही डिवोर्स हो जाएगा। ओ ताकी 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 रे ताकी, ओ ताकी ताको मत पर छू। पहला जीतू रो बेटा, क्या कन्वर लाल, ओ सॉरी कर जातिया, तुम्हें अपनी बेटी का हाथ मेरे बेटे के हाथ में देना ही होगा। एक दिन ये लड़का देश में एकता लाएगा। अरे मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चल के जाना है एकता। ऐसे नहीं, ठीक से पहनो, ऐसे ठीक से। मेरे होने वाले ससुर के सामने अपने पल्लुओं को संभाल के रखो, ओके? हाँ, ओके। और हाँ, एक बार और अपना नाम दोहराओ। सुशील। हाँ। संस्कार। हाँ। साक्षी। सुंदर। अब याद रखना, भूलना मत। ये मिकी कहाँ मर गया? हाँ। लगता है आ गया। ऑल द बेस्ट। नमस्ते, आइए आइए। नमस्ते। कन्हैया, ये मेरे बाबूजी हैं। और इनकी तारीफ? शालू का फादर? नहीं नहीं, मैं आपके पोपट की बात कर रहा हूँ। ओहो, अरे पोपट की बात कर रहे हो तो पोपट को देखकर करो, मुझे देखकर क्यों कर रहे हो? बाबूजी, कन्हैया का एक प्रॉब्लम है, जब भी ये लाल रंग देखता है इसकी आंखें लुकिंग चाइना टॉकिंग टोक्यो हो जाती हैं। कन्हैया फोकस फोकस फोकस। तुम्हारी बाकी की फैमिली कहाँ है? वो बाद में आएंगे। ओके ओके, आइए अब आइए ना अंदर। आइए आइए आइए। हाय लागू बाबा, जीते रहो। आइए बैठिए। नहीं, वो मुझसे नहीं होगा, मैं बैठ नहीं सकता। क्यों? बाऊजी को एक बीमारी है, उनकी रीढ़ की हड्डी डैमेज होने के कारण वो ना ही बैठ सकते हैं ना ही लेट सकते हैं। इसलिए मैं हमेशा खड़ा ही रहता हूँ और मेरे साथ मेरा पोपट भी हमेशा खड़ा रहता है ना प्रेम?
प्रेम। प्रेम नाम है इसका, प्रेम कर जातिया। वैसे आपका पोपट काफी बड़ा है। हाँ, बचपन में मैं छोटा था तो ये भी छोटा था। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया वैसे वैसे मेरा पोपट बड़ा होता गया, और मुझसे ज्यादा मेरी स्वर्गवासी पत्नी को मेरे प्रेम से बेहद प्यार था। तो ये है तुम्हारी फैमिली? हाँ, ये मेरी बहन संस्कार है। नमस्ते। और ये इनके पति सुशील। वाह, संस्कार, सुशील, बहुत ही सुंदर नाम है, संस्कृति से भरे हुए। वैसे तुम क्या करती हो संस्कार? जी मैं देती हूँ। क्या देती हो? गरीब बच्चों को एजुकेशन, विधवा माओं को इंस्पिरेशन, हाउ नाइस, और कुवारे मर्दों को बेसन। हाँ। इनके पति का बेसन का बिजनेस है, बेसन के लड्डू, बेसन का आटा, बेसन का हलवा, हर किस्म के बेसन में ये मास्टर है। ओह अच्छा, मुझे भी बेसन बहुत पसंद है। कभी कभी आपके बेसन का मजा हमें भी उठाने दीजिएगा। ऑफ कोर्स, आपका जब भी मन हो मैं आपकी ये इच्छा पूरी कर दूंगी। इनकी सांस क्यों फूल रही है? अस्थमा। कभी कभी मेरी बीवी को अस्थमा का अटैक आता है। कन्हैया, ये इस तरह खुजा क्यों रही है? वही मेरी दूसरी बहन सक्कू, आई मीन साक्षी है, और कभी कभी इन्हें एलर्जी हो जाती है, इसीलिए खुजाने लगती है। अच्छा। आप इनकी फिक्र मत कीजिए, ये ठीक हो जाएगी। और ये नौजवान कौन है? ये इनके पति सुंदर है। नमस्ते। अच्छा, कहीं उनका भी ये आपके पहले जीजू की तरह बेसन का बिजनेस तो नहीं? हाँ जी, आपने सही पहचाना, हम दोनों फैमिली बिजनेस में एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। वाह वाह वाह, I love the family that works together, eats together, and sleeps together. प्रेम, प्रेम चिंता मत करो, वो सिर्फ हंस रहे हैं। ये मिकी कहाँ मर गया? कौन मर गया? नहीं नहीं, मेरा मतलब है आपसे मिलकर मेरा मन भर गया। मेरा भी मन भर गया बेटा, लेकिन तुम्हारे माता पिता कहीं नजर नहीं आ रहे। वो बेटा मैं आ गया। आ गया? जैके डैडी। आप बाप? कन्हैया's फादर। ओह, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अच्छा? मेरे पोपट को भी बहुत खुशी हुई। वाओ, काफी बड़ा पोपट है आपका। अरे नहीं नहीं बेटी डार्लिंग, तुम यहाँ आओ, इसी दिन का तो इंतजार कर रहा था मैं। काफी सॉफ्ट है। डैडी, डैडी, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? साले अपने होने वाली भाभी पे चांस मत मारे, और तू 2 मिनट लेट आता तो मेरे अंतिम संस्कार में पहुंच जाता। वाह वाह वाह, सुंदर, अति सुंदर। देखा ये बाप बेटे का प्यार कैसे उछल उछल के बाहर आ रहा है, दोनों कैसे प्यार से खुसुर पुसुर कर रहे हैं। इसे कहते हैं संस्कार। जी, आपने मुझे बुलाया? नहीं 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 बहना, नहीं, ये तुम्हारी नहीं, इन जनरल संस्कारों की बात कर रहे थे। वैसे लेकिन कन्हैया तुम्हारी माता जी अभी तक नजर नहीं आई। माता जी? माता जी, माता जी, माता जी कहाँ है पता नहीं। वो एक लंबी कहानी है। लंबी है, बहुत लंबी है। बेटा मैं आ गया। What? रॉकी? रॉकी, रॉकी! रॉकी, रॉकी! कहीं गाड़ी निकल भाग चलते हैं। आप कौन है? मैं कन्हैया का फादर हूँ। डैडी, आप भी फादर, ये भी फादर, इतने सारे फादर। मैं वो फादर हूँ जिसने इसे जन्म दिया, और ये वो फादर है जिसने इसे पाल पोस कर बड़ा किया। अच्छा। इसीलिए कन्हैया हम दोनों को पिता मानता है। अरे सिर्फ हमें ही क्यों, बल्कि दुनिया के सारे मर्दों को ये पिता समान मानता है। डैडी, वाह, कितने उच्च विचार है आपके पुत्र के। अगर हर इंसान इस तरह सोचता रहा तो सारी दुनिया भाई बहनों की तरह रहेगी।
लेकिन एक बात बताइए, संस्कार और कन्हैया तो भाई बहन लगते हैं, लेकिन आपकी ये सुपुत्री अलग नहीं लगती? ये तो इसे तो हमने बचपन में ही गोद ले लिया था। Who's my daddy? बच्चे, आखिर बच्चे ही रहेंगे। आप जरा आराम कर लीजिए, मैं बहुत थक गया हूँ। क्या? I mean, आप थक गए होंगे लॉन्ग जर्नी से। साक्षी जाओ तो मैंने बेडरूम दिखाओ। बेडरूम? Anytime. It's my favorite place. Actually, तुम कुछ मत दिखाना, लगता है फिर से दौरा पड़ गया। एक काम करते हैं, जीजू तुम ही ले जाओ। हाँ चलिए चलिए। जी बिल्कुल, आइए मैं आपको आपका बेडरूम दिखा देता हूँ। ये पगली गंदी एक्ट्रेस कैरेक्टर से बाहर जा रही है। अबे याया, क्या बाथरूम में बंद करो इसे। क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा है? और तू यहाँ कहाँ से आ गया? अबे तेरा दोस्त हूँ मैं, तुझे लटकता कैसे छोड़ देता। अब कौन आया है? मैं जाके देखता हूँ। अंदर क्यों जा रहे हैं? अरे आप हैं कौन? ये कौन सी भाषा बोल रही है? ए ओ यू हुआ भैया। देखिए बहन जी, लगता है आप गलत पिक्चर में घुस गई हैं। यहाँ वैसे ही सब गोलमाल है। मैं कह रही हूँ कि मैं बिल्कुल सही जगह आई हूँ। मैं सिंदूर बुआ हूँ, करजातिया जी की विधवा गूंगी बहन। नमस्ते नमस्ते। अगर अंधी भी होती तो ब्लैक टू में रानी मुखर्जी का रोल भी कर सकती। एक तुस्की, आई मीन एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो बाबू? ओ बाबू राव, एक मिनट सुनो, ये आप लोगों का जो उपा है वो कुछ समझ नहीं आ रहा है। नहीं मेरा मतलब, आप पहले उआ उआ करती हैं, फिर ये कुत्ता भौंकता है। ए, कुत्ता नहीं, इसका नाम शक्रु है। शक्रु? अरे वाह, फिर तो अपने बहुत कम आएगा। एनीवेज, ये शक्रु साहब भौंकते हैं, फिर आप भौंकते, आई मीन बोलते हैं, ये थ्रीसम का क्या चक्कर है? वो क्या है ना, सिंदूर बुआ की बात ये शक्रु समझता है और शक्रु की बात मैं समझता हूँ। वैसे ये खलनायकों में एक ही नायक है, कौन है ये? अब आप ऊपर क्यों नहीं जाते? नहीं नहीं, मेरा मतलब है अपने भाई के बगल के कमरे में। जीजू और बहना, आप इन्हें अंदर ले जाओ। नमस्ते जी, आइए आइए। अब कौन आया? अरे जब भी ये घंटी बजती है कोई ना कोई मुसीबत जरूर आती है। अरे तू चुप कर रहा। एक मिनट जाकर देख कौन सी नई मुसीबत आई। जा। Oh my God! अब ऐसे एक्सप्रेशन क्यों दे रहा है जैसे बहुत बड़ी मुसीबत आ गई हो। मुसीबत ही आई है, मतलब मेरा असली बाप आया है। क्या? पर उन्हें यहाँ का पता किसने दिया होगा? मैंने। क्या? तेरा दोस्त होने के नाते मैंने उन्हें फोन किया और सब कुछ बता दिया। क्या? उन्होंने मुझे गाली दी और फोन काट दिया। मुझे नहीं पता था कि वो खुद ही आएंगे, इसलिए तेरी मदद करने के लिए तेरा बाप बनके मैं खुद आ गया। अब सारा प्लान चौपट हो गया। अबे तुझे और कोई मौका नहीं मिला अपनी दोस्ती जताने के लिए? सॉरी यार, लेकिन दरवाजा मत खोल वरना बाबूजी के सामने खड़ा हो जाएगा तेरे बाप का ट्रिपल रोल। तो क्या उन्हें बाहर ही खड़े रहने दो? रहने देना, वैसे भी तेरी मासी को अच्छा लगेगा। हट चल। कुछ देर बजाएंगे फिर चले जाएंगे। घंटी घंटी। अबे मेरा बाप बजाकर जाने वालों में से नहीं है, आकर बजाने वालों में से है। मुझसे बेहतर और कौन जानता है? क्या? अरे कोई घंटी बजा रहा है और तुम दरवाजा नहीं खोल रहे हो? खरा है मेहमान तो भगवान का रूप होता है बेटा, चलो खोलो खोलो। ये मेहमान हमें भगवान के पास भेज देगा। मैं तो खोलने वाला था बाबूजी, लेकिन इतनी देर तक या तो पुलिस घंटी बजाती है या फिर भिखारी। पुलिस तो यहाँ आएगी नहीं, इसलिए सोचा शायद भिखारी होंगे। भिखारी भी तो भगवान का ही रूप होते हैं ना बेटा। चलो मैं खोलता हूँ। नहीं, 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 मेरे होते हुए आप क्यों खोलेंगे? आप बुजुर्ग हैं, मैं खोलता हूँ ना, आप अंदर जाइए 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 जाइए। इन कामों की कोई उम्र थोड़ी ना होती है बेटा, ये तो रोज का काम है। चलो खोल देता हूँ दरवाजा। हेलो, आइए भाई साहब। वैसे तो आप खाते पीते घर के लगते हो, तो इस तरह बड़ी बड़ी सूटकेसेस लेके भीख क्यों मांगते हो? इंटरनेशनल खिलाड़ी सुना था, इंटरनेशनल भिखारी पहली बार देख रहा हूँ। भिखारी होगा तू, तेरा बाप, तेरी पैदा होने वाली औलाद। क्या हम तेरे को भिखारी लगते हैं? मेरा नाम है मिस्टर पी के ले ले, और ये सामने जो हैंडसम लड़का खड़ा है ना, इधर देख, मैं इसका बाप हूँ। महाशय जरा तमीज से बात कीजिए,
ये जिस हैंडसम लड़के की आप बात कर रहे हैं ना, मैं उसका होने वाला ससुर हूँ, सूर्या करजात्या। कन्हैया, ये भी फादर, वो भी फादर, वो भी फादर, इतने सारे फादर। बोलो बोलो। Yes, and no, and that is my mother. कन्हैया, ये सब क्या चल रहा है? ये कौन से बापों की बात कर रहे हैं? ये मेरे बापों की नहीं, आपके पापों की बात कर रहे हैं। अभी चले, मैं बाद में समझाता हूँ, पहले आराम करो। ये बूढ़ा मुझे भिखारी क्यों कह रहा था? बूढ़ा साला। कन्हैया, ये तुमने अचानक उन दोनों को ऐसे कमरे में बंद क्यों कर दिया? और यहाँ ये क्या लगा रखा है, बापों का मेला? वो मेला नहीं, वो सौतेला, सौतेला। हाँ, सौतेला। हाँ, मैंने कहा था ना, लंबी कहानी है। वो मेरी माँ, जो कुछ साल पहले तक मेरी मासी थी, वो उनका होने वाला पति है, मेरी सौतेली माँ का सौतेला पति, यानी मेरा होने वाला सौतेला बाप। लेकिन अफसोस, मेरी सौतेली माँ मेरे बाप की सौत, यानी अपने बॉयफ्रेंड को लेकर यहाँ आ गई है। ओह, इसका मतलब है तुम्हारी मासी अब तुम्हारी माताजी है? है भी और नहीं भी। एक्चुअली मेरी मासी मेरे असली बाप को अपने नए बॉयफ्रेंड के लिए छोड़ चुकी है। हाँ, नहीं समझा। एक मिनट बेटा, तुमने अभी तक जो कुछ भी कहा वो जरा हिंदी में समझाओ। अरे बाबूजी, बेसिकली माधुरी मोनिश महल को छोड़कर दोबारा सलमान के साथ दिल बहला रही है। ओ, तो ऐसा बोलो ना, अब समझ गया मैं। लेकिन अब क्या करे, तेरा बाप तेरी मासी का दीवाना, पर वो डाले दूसरे मुंडो को दाना। मैं आपका इमोशन समझ सकता हूँ समधी जी, लेकिन आपके बेटे ने उन दोनों को अंदर कमरे में बंद क्यों कर दिया? वो क्योंकि मैं जानता था कि मेरे असली फादर मेरी सौतेली माँ को उनके नए बॉयफ्रेंड के साथ नहीं देख पाएंगे बाबूजी। और अगर इन्हें कुछ भी हो गया ना, तो मैं एक ही झटके में फादरलेस हो जाऊंगा। पापा। How sad. समधी जी, मुझे ये जानकर बेहद पीड़ा हुई कि आपकी घर गृहस्थी में कोई मस्ती करने के लिए घुस गया है। दोस्त तो कन्हैया की मासी कभी है ना, वो फंसती ना होती मस्ती। लेकिन मैंने इस बात से समझौता कर लिया है, जो हो गया सो हो गया, कोई और उनके साथ सो गया। अरे लेकिन उनके साथ मेरे होते हुए और कोई सो कैसे सकता है? क्या? मेरा मतलब है, मैं जगाऊंगा। किसको? उनके प्यार को, जो कभी उनके दिल में आपके लिए था। यही रीति है, यही रिवाज है, यही संस्कार है। लेकिन आप तो एक दो दिन के मेहमान है ना? क्या मतलब? नहीं, मेरा मतलब है आप एक दो दिन के लिए आए हैं, रिश्ता तय करेंगे फिर चले जाएंगे। नहीं, मैं अब सारे रिश्ते तय करने के बाद ही यहाँ से जाऊंगा। मेरी बेटी का भी और मेरी बेटी की होने वाली सासू माँ का भी। चलो बेटी। अब मैं तेरे बाप के चक्कर में हम सबकी माँ की आंख हो गई। अब वो तेरी माँ जैसी मासी को तेरा असली बाप, जो असल में नकली है, उससे मिलवाना चाहता है। अब कल तक जिसे कह रहा था मैं आंटी, आज उसके साथ कैसे हो जाओ आंटी? तू दूर रहना उनसे, सगी माँ नहीं हुई तो क्या हुआ, उन्होंने मेरी कई गंदी चड्डिया बदली है। हाँ, मैं तो उससे दूर रहूंगा, लेकिन वो कर जात्या हम दोनों को बार बार पास टकलने की कोशिश करेगा। यार जो भी है, तेरी मासी ना काफी मिल्फ टाइप की लगती है। अरे मासी, आई लव टू फेस हो यार, क्यों, तुझे क्या लगा? अबे मुझे लगा नहीं, मेरी लगी है। अबे दरवाजा खोल, वरना तेरा बाप ठोक ठोक के दरवाजा तोड़ देगा। हाँ, खोल खोल खोल। मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है क्या? खोल, ये तो तोड़ दूँगा। I will kill you. तो मैं गिर जाती। मैं आपको कैसे गिरने देता, आखिर आप कन्हैया की मासी, अभी माँ है ना। अगर मैं गिरता तो आप भी मुझे ऐसे ही संभालती ना? आप गिरिए तो सही, फिर देखना मैं आपको कैसे संभालती हूँ।